छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क किनारे खड़े करने को लेकर कार सवार दो बदमाशों ने विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान ट्रक चालक को जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। फिर ट्रक के केबिन में पेट्रोल डालकर आग भी लगा दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों बदमाश ट्रक में आग लगाकर जला रहे हैं, जिससे ट्रक जल गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना कोटा थाना क्षेत्र की है, जहां जानकारी के अनुसार कोटा के करगी रोड निवासी संतोष कुमार गुप्ता एक ट्रक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। चालक अशोक मणिकपुरी दोपहर बुधवार को रेलवे स्टेशन की तरफ से माल अनलोड कर उसके घर वापस आया और ट्रक खड़ी कर पैसे लेने चला गया। ट्रक आनंद धर्मकांटा के पास वजन कराने के लिए खड़ा था, तभी दोपहर करीब 3 बजे कार क्रमांक CG10BH7540 में सवार दो युवक आए, जिन्होंने ट्रक को खड़ा कर जाम लगाने के नाम पर विवाद शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी युवकों ने चालक अशोक मणिकपुरी से गाली गलौज करते हुए उसे जान से मारने तक की धमकी दी। ट्रक मालिक संतोष पहुंचा तो उसके भी गालियां दी गई। इसके बाद दोनों युवक वहां से चले गए, जहां कुछ देर बाद करीब 3:30 पर फिर दोनों युवक आए और धर्मकांटा के पास चालक के साथ गाली गलौज करते हुए उसे भगा दिया और इसके बाद ट्रक के केबिन में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। टीआई दिनेश चंद्रा ने बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ जानकारी जुटाई गई, जहां तोरवा के लाल खदान निवासी आरोपी संजय पांडे और तोरवा के गुरु नानक चौक निवासी विकी उर्फ मैक्स जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।